आज तो ये मियाँ बीवी होली पार्टी में अपने नच का टशन दिखा रहे हैं। देखिए तो जरा कैसे ये दोनों झूम रहे हैं, प्यार के रंग में रंग गए हैं। क्योंकि होली का त्यौहार है तो हम लोग नाचना वाचना शुरू करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर मैं अनाउंस करता हूँ गुड्डन यहाँ परफॉर्मेंस करेगी अपने जिंदल साहब के साथ, और गुड्डन होता है यहाँ पे एक होली का बलम फिशकारी सॉन्ग परफॉर्मेंस करते हैं। ये होली पार्टी रखी है गुड्डन के एक फैन ने, जिसमें गुड्डन और पूरा जिंदल परिवार शामिल है, और वो सब भी मस्ती में झूम रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। लेकिन इन खुशियों में भी है षड्यंत्र। असल में सरस्वती ने एजे को बलून दिया है, जो एजे गुड्डन को मारने जाता है। और आपको बता दे कि इस बलून में है कांच के टुकड़े, लेकिन सरस्वती की चाल उल्टी पड़ जाती है और कांच वाला बलून खुद सरस्वती को ही लग जाता है। और फिर शुरू होता है होली के फंक्शन में तमाशा। ट्विस्ट यही खत्म नहीं हुए हैं। होली के इस त्योहार में हुई है जिंदल परिवार में नई एंट्री, जो कि है एजे के भैया और भाभी। और भाभी है गुड्डन की जबरा फैन, जिन्होंने ये पार्टी रखी है खास गुड्डन के लिए। हाँ, ड्रामा बिल्कुल देखने मिलेगा आपको। नई एंट्री है दो कैरेक्टर की, उनसे हमारी स्टोरी में काफी ड्रामा होगा। और अक्षय गुड्डन का जो बॉन्ड है, जो ट्रस्ट है, जो सपोर्ट है दूसरे के लिए, वो स्ट्रांग होगा। गुड्डन की एक्चुअली दीवानी हूँ मैं, और क्योंकि अब मेरे को पता चला है कि मैं उसकी रिश्तेदार भी हूँ, तो मतलब कि दीवानगी इंटू टू हो चुकी है। तो इट्स क्रेजी, एंड हम दोनों आ रहे हैं धमाका मचाने जिंदल परिवार में। भाई अब देखना होगा कि ये नई एंट्री क्या क्या नए ट्विस्ट लाती है। Thank you.